शरीर के आर पार धसी लोहे की सरिया के साथ मंदिर का पुजारी उपचार के लिए पहुंचा संजय गांधी अस्पताल। मंदिर के बाहर सो रहा था पुजारी। आरोपियों द्वारा रॉड और गड़ासे से किया गया जानलेवा हमला। आपको बता दें कि मंदिर के बाहर सो रहे एक पुजारी के ऊपर बीती रात्रि कुछ आरोपियों ने मिलकर उसके ऊपर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने पुजारी के पेट में लोहे के सरिया को घोंप दिया जो उसके शरीर के आर पार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पुजारी को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भेजा है। घटना के संबंध में 65 वर्षीय घायल पुजारी दादूलाल कोल ने बताया कि बीती रात्रि वह रीवा जिले के पनवार थाना के दोदर कॉलोनी में मंदिर के बाहर सो रहा था। रात तकरीबन 2 बजे आरोपी आए और उसके पेट में सीधे सरिया घुसा दिया और इसके बाद गले में धारदार हथियार से हमला करने लगे। पुजारी की चीख सुनकर जब आसपास के लोग उठे तो आरोपी वहां से चंपत हो गए। घायल दादूलाल कोल का कहना है कि तकरीबन 4 वर्ष पूर्व होली के अवसर पर कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ था जिसमें समझौता भी हुआ, लेकिन बीती रात्रि वही आरोपी मंदिर के पास पहुंचे और उस पर प्राणघातक हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पनवार पुलिस मौके पर पहुंची जहां साधु के पेट में धसी सरिया को आधा काटा गया जिसके बाद घायल को उपचार के लिए रीवा शहर के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। प्रस्तुत है घायल से प्राप्त जानकारी के अंश। दादूलाल ये दोंदर कॉलोनी वो मंदिर है द्वारे में, मतलब वहीं पड़े रहन मदसाए ऐसे मुहारिन में है प्रभु। तो ये 2 बजे रात फेरी आदमी आए तो हमारे ये छड़ मारी तो हम बड़े जोर से चटकें तो फिर ये गड़ासा मारी, मतलब यही फिर गुहार मारन तो मार भतीज लगे ढा मार लो लड़के तो बाहर है सूरत में। फिर वो सब दौड़े मतलब तब फिर भागे। फिर मतलब बाबू जी विवाद क्या था? विवाद ये पहले के रिंजिश रही है, मतलब ऐसे फगुआ हुआ के आज 5-6 साल मतलब ये होली ओली पर रही विवाद ही रही, पैसे वैसे चढ़ी। फिर बीच में समझौता हो गया भाई मुद्दा अपन ये भानु है, मतलब बच्चा लाल है, श्री लाल है, बबला है, आए और रहे हैं दो आदमी, मतलब वो भागे हैं प्रभु, मतलब जब हम गुहार मार रहे थे भाग दी नहीं। जब हम आपको बहुत हुआ हम राघव जल प्रपात पन्ना आश्रम मऊ गुरुदरी में वो पन्ना ठीक मंदिर है हमारे द्वारे में बहुत साल से हैं बाबू जी। तुम्हें पन्ने से आचार अपे हैं वाले घर वाले आश्रम में तो पड़े रहन भैया। फिर रात 2 बजे रात फिर हम यहीं आ गई, मतलब ये क्षण माई क्षण बहुत जबर है बाबू जी। थाने में धाई नहीं कटाई नहीं मशीन लगाई थी जी हाँ कटाई नहीं, तो गाड़ी में लदता ही नहीं बना रहा, क्षण नहीं है बार रहा बाबू जी। हाँ कौन सा लगता है? थाना पनवार लगता है जी हाँ। आरोपी गिरफ्तार हुआ अभी तक जी? कोई पकड़ाया अभी तक आरोपी की? कोई आरोपी पकड़ाया? आरोपी मतलब हम नहीं समझे पा रहे। मारने वाले हैं पकड़ाया अभी तक? वो घरे न मराए हमको टांग के चले आए हम, वो खीप गाड़ी देते रहे हैं साहेब हरे तब उल्टा सीधा बताते रहा साहेबन के साथ।